on MCX side, MCX has grown tremendously in options. उनके वॉल्यूम्स आर एट लाइफ टाइम हाईज. ऑन धन साइड एज वेल हमारे प्रोडक्ट में भी बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए हैं. नाउ देर इज ऑप्शन ट्रेडर ऐप विच ऑल्सो हैज स्ट्रैटेजीज ऑन कमोडिटीज विच राहुल कैन थ्रो सम लाइट लेटर ऑन. लेकिन सबसे पहले वेबिनार का जो हमारा थीम है कि आस्क अस एनीथिंग ऑन कमोडिटीज वेयर एनी ट्रेडर हु इज इंटरेस्टेड इन ट्रेड फॉर ट्रेडिंग इन कमोडिटीज और हैव सर्टेन काइंड ऑफ क्वेरीज, दिस इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन कम गेट देयर क्वेरीज रिजॉल्व फ्रॉम एक्सचेंज साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम अ मार्केट एक्सपर्ट. सो टूडे फॉर टूडेज वेबिनार वी हैव एन एक्सपर्ट हु हैज got more than 25 years of experience in markets. So Dr. Ravi Singh, he holds a command equally on equities and commodities. He was head of research and department head at Share India Securities. Now Ravi is also an entrepreneur. He has started on his own by the name of DRS Finvest. And थैंक यू सो मच रवि फॉर टेकिंग योर टाइम आउट. मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में हमारे जो लिसनर्स हैं या जो ये वेबिनार को यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बहुत कुछ इंसाइट मिलेगा कमोडिटीज मार्केट में, स्पेशली क्रूड एनजी या कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर. एज ऑलवेज ऋषि हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट. थैंक यू सो मच ऋषि अगेन फॉर यू नो टेकिंग योर टाइम आउट. So before we come to questions and you know expect Ravi to answer that, Rishi, पहला सवाल आपसे ही रहेगा, क्या एक्सचेंजेस में बदला है? नए साल फेस्टिव सीजन आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स नया हाई बना रहा है. सो व्हाट आवर क्लाइंट्स यूजर्स एंड ऑल्सो ट्रेडर्स हु आर कीनली ट्रेडिंग ऑन कमोडिटीज ऑन MCX, उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आने वाले दिनों में? थैंक यू जय. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद ऑल ऑफ यू. मैं तो यही कहूंगा कि अगर भारत को 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो कमोडिटी के बेस पे वो ग्रोथ होगी और उसका इफेक्ट इक्विटी मार्केट में दिखाई देगा. सो कॉज विल बी कमोडिटी ग्रोथ एंड इफेक्ट विल बी इक्विटी ग्रोथ. तो जो भारत में जो ग्रोथ आएगा, अगर आपको अर्ली इंडिकेटर चाहिए तो कमोडिटीज भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि कमोडिटीज के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं. सो आई बिलीव दैट द फ्यूचर फॉर कमोडिटी मार्केट्स इन जनरल इज वेरी ब्राइट. हैविंग सेड दैट, अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, लोगों का ध्यान भी रहता है फेस्टिव सीजन में प्रेशियस मेटल्स पे. बाकी अभी अक्टूबर टू मार्च थोड़ा सा इसका भी सीजन रहता है नेचुरल गैस का, थोड़ी सी उसमें भी मूवमेंट रहती है तो उसको भी ध्यान दिया जा सकता है. क्रूड में भी आप देख ही रहे हैं कि काफी मूवमेंट आया हुआ है. सो ऑल दिस विल कंटिन्यू, बट ऑल आई कैन से इज इन द लॉन्ग रन यदि आप प्रॉपर रिसर्च करके मार्केट को एक्सेस करें तो ये मार्केट कमोडिटी मार्केट इज इक्वली इफ नॉट मोर इंटरेस्टिंग देन अदर मार्केट्स. सो इसको भी ध्यान दीजिए, पोर्टफोलियो का एक अभिन्न अंग है कमोडिटीज भी, उसको भी अपने पोर्टफोलियो में रखिए एंड ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन में भी आपको लाभ मिलेगा. एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यूज शेयर होते हैं डायरेक्शनल, तो एक्सचेंज के तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्सचेंज डज नॉट सब्सक्राइब टू एनी डायरेक्शनल और प्राइस व्यूज और एनी आइडियाज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. या थैंक यू सो मच ऋषि. सो रवि, आपसे समझना है, जैसे ऋषि ने भी कहा फेस्टिव सीजन है तो प्रेशियस मेटल पे ध्यान रहेगा, आगे विंटर आ रहा है तो एनर्जी में यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी. सो आपके थॉट्स क्या लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि लास्ट ईयर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस इतना अवेलेबल नहीं था या इतनी वो लिक्विडिटी नहीं थी. आज अगर ये विंटर सीजन में किसी को एनर्जी कॉम्प्लेक्स प्ले करना हो या प्रेशियस मेटल प्ले करना हो तो आज स्ट्रेटेजीज किस तरह से अवेलेबल हैं और ये किस तरह से एक डे ट्रेडर या एक ऐसा ट्रेडर जो इक्विटीज में एक्टिव है लेकिन कमोडिटीज में वो अपना हाथ आजमाना चाहता है, उसके लिए किस तरह से हेल्प करेगा? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ पर जय बुलाने के लिए, और ऋषि साहब भी यहाँ पे हैं तो थैंक यू ऋषि जी, आपके साथ एक वापस पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो रहा है. लास्ट मुलाकात हमारी आपकी सीपीआई में भी हुई थी. और जय,
अब मैं आपके दर्शकों को इससे पहले कुछ और चीजें, ट्रेड तो हम कमाई लेंगे, अच्छा ट्रेड बता ही देंगे और आप प्रॉफिट कमाएंगे। और अगर आप धन का ऐप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको सबसे पहले डाउनलोड करिए और ऐप की क्वालिटी को भी समझिए। ये इसके लिए मुझे फिलहाल जय ने नहीं बोला, और मैं जय का खुद ऐप जो है मैंने देखा, और जय से मेरी दोस्ती लगभग आज 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 20 साल से मैं मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग मैंने अपना करियर जो किया था वो कमोडिटीज से ही किया था। और जय और हम लोग मिलके CNBC आवाज पे 11:30 का शो हमने बहुत सालों तक किया, अब मैंने छोड़ दिया, लेकिन अभी भी कमोडिटी का और कमोडिटी के लोगों का हमेशा मुझे प्यार मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कमोडिटी में आपके पास 9 कमोडिटीज हैं मैक्सिमम आपके लिए ट्रेड करने के लिए। और MCX ने समय समय पर जिस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उस प्रोडक्ट को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए अब कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। और दोनों चीजें यहाँ पर साथ मिल रही हैं, क्योंकि आपको अब ऑनलाइन कमोडिटी ऐप में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, और धन उसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जाना जाता है। ज्यादातर जो है वो इक्विटीज की तरफ भागते हैं, लेकिन कमोडिटीज में प्रोडक्ट भी आपको मिल रहे हैं। अब ओवरऑल व्यू देखिए, आज मैं एक सुबह मीटिंग में, एक सेमिनार था उस पे मैं गया था, जिसमें अमित शाह जी जो है वो आए हुए थे, एनुअल मीट था, और वहां पर भी चर्चा हुई कि मार्केट में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का एक डेटा उन्होंने दिया, वही डेटा मैं शेयर करता हूँ, और वही चीज शायद अब कंटिन्यू नजर आएगी। 1 साल पहले 127 करोड़ ट्रांजेक्शन होते थे, और इस साल जो डेटा उन्होंने बताया उसके हिसाब से 12,622 ट्रांजेक्शन आपको ऑनलाइन देखने को मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ कितना बढ़ रहे हैं, और डिजिटल वर्ल्ड में अब आपको ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना इजी होगा। इजी कैसे होगा, जब आप इस तरीके की ऐप को यूज करेंगे। दूसरा, MCX ने जिस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा ऋषि जी को। ऑप्शन हम सोचते थे, आप तो सर ऑप्शन का प्रोडक्ट ही लेके आए, इससे बढ़िया ट्रेड क्या हो सकता है, और इससे बढ़िया कि आपको हेजिंग का साधन मिल रहा है, रात का टेंशन नहीं, रात में टेंशन है, पुट बाय करके जाइए, कॉल बाय करके जाइए, हेज होके जाइए। रही बात इन्वेस्टमेंट की, धन के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करिए तो ये देखिए धन कमाने का सबसे सही समय है। क्यों मैं जय ऐसा कह रहा हूं, गोल्ड के प्राइसेस की उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बढ़ेंगे, और ये साल का सबसे लोअर लेवल आप मान के चलिए, क्योंकि इस साल अब दिवाली तक ही गोल्ड वापस से 60,000 होने वाला है। तो ये आपके लिए मौका है। अब आप इसको किस तरीके से प्ले करते हैं ये आपको देखना है, ट्रेड के हिसाब से करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हैं, लेकिन 60,000 यानी कि यहां से 2,000 पॉइंट बढ़ने वाला है दिसंबर तक में। क्रूड की चर्चा आपने करी, क्रूड में देखिए क्रूड के प्राइसेस यहां से अभी $100 के ऊपर होने वाले हैं, यानी कि जो अभी करंट लेवल आ रहे हैं यहां से अब 8,500 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अभी टेक्निकल लेवल्स पे ये स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और फंडामेंटल फैक्टर भी आगे इसी हिसाब से गोइंग ऑन हो रहे हैं। जी रवि, थैंक यू सो मच आपका इनसाइट के लिए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल लेते हैं। आई थिंक उससे इंटरेक्शन भी रहेगा और न्यू यूजर्स को भी कुछ सीखने को मिलेगा। सो राहुल, ओवर टू यू फॉर क्वेश्चंस, वी कैन स्टार्ट टेकिंग अप नाउ। यस सर। सर, फर्स्टली स्टार्टिंग विद लाइक एज यू मेंशन्ड इट अबाउट द फेस्टिवल पार्ट, यूजर्स वर एक्चुअली आस्किंग कि सिंस देर आर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपनिंग अराउंड ऑन द वर्ल्ड वाइड बेसिस, ऑल्सो ऑन द क्रूड ऑयल फ्रंट एंड एंड एवरीथिंग। सो पर्टिकुलरली इन कमिंग इन रेस्पेक्ट टू द दशहरा, नवरात्रि एंड दिवाली, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड, इज देर एनी पर्टिकुलर अदर एलिमेंट दैट नीड्स टू बी लाइक टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर कमोडिटीज, एंड हाउ शुड वी बेसिकली प्रिपेयर आवर सेल्स फॉर इट? तो रवि जी, आप ही इसका आंसर दीजिए। देखिए गोल्ड तो अट्रैक्शन में आई है, अदरवाइज अदर एसेट क्लास इफ वी कैन टेक देन क्रूड एंड सिल्वर। सिल्वर इज आल्सो इज इन अप ट्रेंड एंड वी कैन सी द लेवल ऑफ 75,000। सो सिल्वर को बिल्कुल मत भूलिए। अगर गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी को मिस कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि एक्सपेंसिव है, तो आपके पास ऑप्शन है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदना है तो 75,000 का टारगेट मान के चलिए। और क्रूड का मैंने बताया है कि अभी 3 महीने के हिसाब से, अगर 2 महीने से 3 महीने का लक्ष्य देखते हैं तो 8,500 ये लेवल्स आपको क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। और मुझे लगता है गोल्ड, क्रूड और सिल्वर ये ऐसे काउंटर हैं जिनको कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल जरूर करें और एक रेशियो बना लें। फर्स्ट बायसनेस गोल्ड की तरफ रखें, सेकंड सिल्वर एंड थर्ड इज क्रूड।
There is a very particular question about actually trading strategy on this. They are asking, like, some users are asking, like, how should we basically decide equities or even like commodities for doing scalping trading, scalping and as well as for swing trading? Yeah, Ravi, over to you. देखिए, स्कैल्पिंग करने के लिए आप जैसे कि इक्विटी मार्केट में तो लोग एल्गो को यूज करते हैं, कमोडिटी मार्केट में अभी एल्गो उतना जो है वो अट्रैक्शन नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप जैसा जय ने पहले भी अपने ऐप के बारे में बताया, आप इनके ऐप के थ्रू आप बिड और आस्क के थ्रू आप ऐप इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप उसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और ज्यादातर आप स्कैल्पिंग जब करते हैं तो मैं आपको एक रेशियो बता देता हूं, आप स्कैल्पिंग दो तरीके से करिए हमेशा। एक तो इंड्यूजल आप स्टॉक में कर सकते हैं, लेकिन ट्राई टू मेक अ पेयर ट्रेड, जैसे कि आप जिंक और लेड है या जिंक और एल्युमिनियम है। अब इसमें स्कैल्पिंग करने का फायदा यह है कि आप एक साइड बाय कर सकते हैं और एक साइड सेल कर सकते हैं, तो आप इस टाइप की स्ट्रैटेजी को अपना करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग के लिए आप दो तीन पैरामीटर यूज कर सकते हैं। नंबर वन, टेक्निकल फॉर्म में अगर जाते हैं तो आप मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर लगा लीजिए 9 और 18 का। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जल्दी नहीं बोलता हूं, लोगों को समझ में आ जाए। 9 और 18, 9 डे मूविंग एवरेज और 18 डे मूविंग एवरेज को लगा लीजिए, और साथ में आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी प्लॉट कर लीजिए, वहां पर RSI लगा लीजिए। अब जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है, यानी कि 9 डे ऊपर चलता है लाइन, डे की 9 डे की लाइन ऊपर है और 18 डे की लाइन नीचे है, और साथ ही RSI जब भी आपको 30 और 40 के बीच में मिलता है, तो आप बाय साइड की स्ट्रैटेजी से प्ले करिए। और यही सेम वॉइस वर्सा करिए, जब क्रॉसओवर नेगेटिव हो और RSI की वैल्यू आपकी 80 के पास हो, तो आप इसी को उल्टा ट्रेड भी स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और आप बार बार आप इसको बाय और सेल की स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। इस टाइप से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप टेक्निकली और जो है वो एक फंडामेंटल आप पॉइंट को लेके चलेंगे, तो आप जब कई आप ट्रेड करेंगे, 10 ट्रेड करेंगे, तो हो सकता है आपको 3 से 4 में आपको पैसे लूज होते हुए नजर आए, लेकिन आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके गेन करने की होगी। ओके ओके, awesome. Yeah, just Rahul, I would like to add here. Ravi, आपने बहुत सही strategy बताया, means you have so much of technical analysis experience. Just मैं एक चाहूंगा कि एक और point आप clear करें। लोग कहते हैं कि gold silver ratio में trade करना है, so अगर आप simple language में अगर समझा पाए हैं कि gold silver ratio में कैसे होता है काम, और कोई अगर start करना चाहे तो उसके margining requirements क्या है और वो किस तरह से शुरू करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड और सिल्वर में आप रेशियो बनाकर ट्रेड कर सकते हैं, पेयर ट्रेड कर सकते हैं। अब उसको रेशियो बनाने के लिए कुछ लोग गोल्ड के प्राइसेस और सिल्वर के प्राइसेस को इक्वल कर लेते हैं, यानी कि जैसे अगर मैं 10 ग्राम के अगर गोल्ड के प्राइस देखता हूं, तो इस समय जो आपको प्राइस दिखाई दे रहा है 60,000, और वहीं पर जो 1 किलो चांदी है वो आपकी आ रही है 70,000 की, तो आप इनके वैल्यू वाइज इनके रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रेशियो के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप पेयर ट्रेड बना सकते हैं। पेयर ट्रेड का मतलब है कि सिंपल आप प्राइसेस को माइनस करके वैल्यू वाइज आप पोजिशन को 1:2 के फॉर्म में आप हेज करके, और जो पैरामीटर भी मैंने बताया, जय आपने काफी अच्छा पॉइंट मुझे याद दिलाया कि अगर आप जब भी इस रेशियो को प्लॉट करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, गोल्ड और सिल्वर का आपने एक रेशियो प्लॉट किया और आपको आप दोनों को डिवाइड करके ले रहे हैं या फिर माइनस करके ले रहे हैं, इक्वली आपको एक नंबर आ जाएगा जिसमें कि 30 से 40 हजार, या फिर इस समय अगर रेशियो देखें तो 60,000 के बीच में वैल्यू टर्म में आपको दिखाई देगा। अब आप उसमें भी ये कर सकते हैं कि आप मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं, और सपोज एक सिंगल मूविंग एवरेज प्लॉट करिए उस रेशियो पे, 60,000 का दोनों का डिफरेंस चल रहा है, उस पे 9 डे का एक मूविंग एवरेज प्लॉट कर दीजिए। जब भी 9 डे का मूविंग एवरेज अपसाइड पे हो, आप रेशियो में गोल्ड को बाय करके चलें और सिल्वर को सेल करके चलें, या फिर वाइस वर्सा, जब भी डाउन ट्रेंड में 9 डे से प्राइसेस नीचे हो, तब हमेशा सिल्वर को सेल करके और गोल्ड को बाय करके चलें। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप इसको प्ले करें, और मैंने इस रेशियो में ज्यादातर लोगों को कमाते हुए देखा है। बस आप सिस्टम को फॉलो करें जिससे कि आपके रिटर्न्स जनरेट हो सकें। तो रवि जी, इसको सिंपली सिंपल वे में अगर पुट करें, तो आज से 60,000 अगर गोल्ड चल रहा है और 70,000 सिल्वर चल रहा है, तो आप इसका रेशियो क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे या दोनों का डिफरेंस प्राइस निकालेंगे?
जय जी, मैंने दोनों दोनों चीजें आपको बताई है। पहली बात है कि आपको वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहां पर देखें तो 10 ग्राम गोल्ड का रेट 60,000 रुपए है, वहां पर 1 किलो चांदी का रेट जो है वो 70,000 रुपए है। तो आप चाहे तो आप अगर आप दोनों को वैल्यू वाइज माइनस करके चलते हैं तो आप 60,000 और इस समय 72,000 गोल्ड का प्राइस चल रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको 12,000 रुपए मिल जाएगा। अब 12,000 रुपए के जब भी 9-day moving averages upside support कर रहे हैं, तो आप 12,000 के डिफरेंस का मतलब है आप 1-2 कर रहे हैं, तो आपको पहला बाय करना है और दूसरा सेल करना है। अगर इसका वॉइस वर्सा होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर मूविंग एवरेजेस काट रहे हैं, तो आपको पहला सेल करना है और दूसरा बाय करना है। आप इस सिंपल स्ट्रेटेजी को एक्सेल पे दोनों प्राइसेस लीजिए, दोनों प्राइसेस का डिफरेंस प्लॉट कर लीजिए और उनका 9-day मूविंग एवरेज प्लॉट कर लीजिए, और जब भी 9-day मूविंग एवरेज से प्लस वैल्यू मिलती है आपको बाय करके चलना है, 9-day मूविंग एवरेज से डाउन वैल्यू मिलती है आपको सेल करके चलना है। सिंपल स्ट्रेटेजी। Amazing. Awesome. Thank you, Ravi sir. We have actually a very, I think a new investor would like to have, there is some like mixed question from there. Ravi sir, आपने जैसे बताया कि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, फिर साथ ही साथ बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हमारे हैं पर्टिकुलरली, दे डोंट एक्टिवली ट्रैक द मार्केट्स एंड एवरीथिंग, तो अगर उनको पर्टिकुलर कोई ऐसे मतलब पोजीशन लेना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म के बेसिस में, एंड दो एक्चुअली वो मूविंग एवरेजेस वो सब अप्लाई नहीं कर सकते, आप उनके लिए कैसे मतलब एक ऐसा गाइडेंस देना चाहोगे जो पर्टिकुलरली एक इन्वेस्टिंग कैटेगरी में आते हैं एंड रादर नॉट लाइक एक्टिवली ट्रेड? देखिए, मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी जैसे मैं आपको यहाँ पर आपके माध्यम से आपके इन्वेस्टर्स को भी बताना चाहूंगा कि देखिए, गोल्ड में निवेश करने के आपके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, कुछ लोग जो है वो ज्वेलरी में ट्रेड करते हैं, कुछ बॉन्ड खरीदते हैं। आपके पास इस समय इस समय अगर प्रेडिक्शन के हिसाब से चलते हैं, और चूंकि फेस्टिवल सीजन में गोल्ड की डिमांड काफी अच्छी देखने को मिलती, और अच्छी बात है कि ये पिछले 3 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड के प्राइसेस अभी अगर वैल्यू वाइज देखा जाए तो लोअर लेवल पर मिल रहे हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आपको चलना है तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। मैंने आपको इसीलिए दोनों कॉल्स दी हैं। अगर हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं और सिर्फ 3 महीने का अगर रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 8% तक के रिटर्न आपको वोलेटिलिटी में ट्रेडर को मिल सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यहाँ पर देखता है तो अभी 58,000 का गोल्ड का रेट है, जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि 60,000 से 61,000 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो आप किस में निवेश करना चाहते हैं? आप अगर ज्वेलरी खरीदने के लिए वेट कर रहे थे तो दिस इज द बेस्ट टाइम, लोअर टाइम यही है, आप जाके खरीद सकते हैं। दूसरा है कि आप अगर सिल्वर को आप खरीदारी के लिए देख रहे हैं तो आप सिल्वर की खरीदारी भी यहां पर कर सकते हैं, और उसमें भी अपसाइड टारगेट 75,000 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 75,000 में समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपका आने वाले 3 महीने में रेट आ जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि अब जो करंट लेवल है इन लेवल से अपवर्ड ट्रेंड यहां से जनरेट हो सकता है, और आपको आने वाली स्ट्रैटेजी अगर रखनी, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी रखनी, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अगर आप फिजिकल गोल्ड के शौकीन है तो आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, सिक्के खरीद सकते हैं, और अगर आप फेस्टिवल सीजन को देखते हुए देख रहे हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में आप ETF खरीद सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन भी खरीद सकते हैं MCX के थ्रू, और आप अपनी स्ट्रैटेजी में फ्यूचर को भी ऐड कर सकते हैं। Awesome, thank you. This actually question is particularly to Rishi sir as well, and like Jai sir and Ravi sir, you are please free to add in. The user is asking, is there any particular ETF strategy related to commodities that like a user can apply? देखिए, commodity exchange पे कोई ETF listed नहीं है, तो मैं कहूँगा कि रवि जी या जय बात करें। So, ऋषि, मेरा एक सवाल होगा आपसे। देखिए, आज के दिन में हमारे पास बुलियन इंडेक्स है जो अवेलेबल है MCX में, तो एक कोई ट्रेडर को अगर एडवांटेज क्या है बुलियन इंडेक्स में ट्रेड करने का, क्योंकि उसके पास गोल्ड और सिल्वर दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, सो इफ यू कैन थ्रो सम लाइट एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग इन बुलियन इंडेक्स। देखिए, इंडेक्स बुलियन इंडेक्स में ट्रेड करने के बहुत सारे एडवांटेजेस। सबसे पहली बात तो कि जो उसके अंडरलाइंग है बुलियन इंडेक्स का, वो 1 किलो सोना और 30 किलो चांदी है। अगर आप 1 किलो सोना और 30 किलो चांदी स्टैंड अलोन लें तो आपको 80 लाख रुपए का एक्सपोजर लेना पड़ता है। उस पर मार्जिन अगर 11.5% भी लें तो करीब 9-9.5 लाख रुपए का मार्जिन हो जाता है।
वही आपको 10% से कम में वो मार्जिन में आपका काम हो जाता है, बुलियन इंडेक्स में आप एक्सपोजर ले पा, पहली बात। दूसरी बात की जो इंडेक्स में मार्जिन आज कितना है, सॉरी ऋषि? बुलियन इंडेक्स में उसी के लगभग है, लेकिन साइज छोटा है तो इसलिए आपका मार्जिन भी छोटा हो जाता है। तो अराउंड 80-90,000 होगा। हाँ जी। दूसरी बात की आपका जो अंडरलाइंग है वो डिलीवरेबल है, तो आप एक्सपायरी प्ले नहीं कर पाते हैं। इंडेक्स पे आप एक्सपायरी प्ले कर सकते हैं क्योंकि वो कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप लास्ट डे लास्ट मिनट तक भी अपने फ्यूचर पोजीशन को रख सकते हैं और जो एक्सपायरी प्राइस होगा उस पे आपका सेटल हो जाएगा, आपको एक कैश सेटल प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरी बात कि इंडेक्स में आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आज बहुत जन ये सोचते हैं कि भाई सोना खरीदूं कि चांदी खरीदूं। अभी जैसे रवि जी बात कर रहे थे कि दोनों अच्छे लग रहे हैं, तो अभी किसी को अगर दोनों अच्छे लगते हैं दोनों खराब लगते हैं तो क्या करें? तो इंडेक्स के माध्यम से वो दोनों में एक्सपोजर ले सकता है एक साथ, और उसको दो अलग अलग पोजिशन को मेंटेन नहीं करना है, एक ही पोजिशन में दोनों को एक यू नो यू गेट अ अमालगम ऑफ बोथ इन वन कॉन्ट्रैक्ट। सो इट हेल्प्स पीपल टू टेक एन एक्सपोजर टू बोथ कमोडिटीज एट वंस। सो इन दैट सेंस इंडेक्स इज वेरी वेरी हाउ डू आई से वेरी लुक्रेटिव फॉर समवन लुकिंग टू टेक अ बास्केट एक्सपोजर टू कमोडिटीज रादर देन एन इंडिविजुअल एक्सपोजर टू सर्टेन कमोडिटीज। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स निशिका। राहुल यूर न्यू टाइम। सॉरी या जैसे अ कॉमन क्वेश्चन दैट इज एक्चुअली कमिंग अप फ्रॉम द यूजर्स, इट्स एक्चुअली अराउंड नेचुरल गैस। सो लाइक इज देर एनी पर्टिकुलर व्यू अबाउट नेचुरल गैस, लाइक आर लाइक एवरी वन कैन शेयर दैट दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। अ लॉट ऑफ यूजर्स आर एक्चुअली आस्किंग ऑन नेचुरल गैस एज वेल एज ऑन क्रूड ऑयल एज वेल, इफ इट्स पॉसिबल। या या सो वी हैव एक्सपर्ट हियर, रवि यू कैन शेयर योर व्यूज। डेफिनेटली इस समय नेचुरल गैस चल रहा है 238 के पास, और जैसे ये देखा जाए तो अच्छा खासा करेक्शन इसने दिखाया है। ऊपरी लेवल से अगर देखते हैं तो 600 रुपए के करीब कुछ दिन पहले ट्रेड हो रहा था दिसंबर 2022 में, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से देखें। शॉर्टर पीरियड में देखते हैं तो मार्च 2023 में इसका रेट था 240 रुपए, और आज भी वहीं के पास ट्रेड हो रहा है। अब आगे का फंडामेंटल फैक्टर एक बार को अगर यहाँ पे समझे तो देखिए, आगे विंटर सीजन स्टार्ट होंगे और यूएस में या अदर कंट्रीज में ठंड बहुत पड़ती है। वहां पे हीटिंग के लिए दो ही चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक नेचुरल गैस और दूसरा है क्रूड ऑयल। तो इसी वजह से, और अब यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है विंटर सीजन्स में, तो पहले से स्टॉक्स इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं और इसी वजह से रेट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो क्रूड आप अगर बाय करके चलते हैं तो आप इसमें 7400 7500 का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लेके आप बाय कर के चल सकते हैं, टारगेट होगा आपका 78 और 8000 का। नेचुरल गैस में अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं तो मुझे लगता है ये करंट लेवल्स आपके लिए अच्छे हैं, अट्रैक्शन दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 238 का लेवल अच्छा है बाय के लिए। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 280 और 320, ये दो लेवल्स आपको दिसंबर के पहले देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है इन दोनों में बुलिश रहना चाहिए। बेयरिश के ट्रेड मत लीजिएगा क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में पेन दिख सकता है। तो रवि जी, इसमें जो ट्रेड करने के आज विकल्प अवेलेबल हैं, एक तो फ्यूचर्स है, दूसरा ऑप्शंस है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऑप्शन के थ्रू जाना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, या फ्यूचर्स में ही पोजीशन रखना चाहिए? देखिए दोनों ऑप्शन है। जैसे अगर मैं करंट लेवल से देखता हूँ 238 है, तो आप फ्यूचर को यहाँ पे आप 230-245 के बीच में बाय कर सकते हैं, और सेम पॉइंट पे आप एट द मनी का कॉल भी बाय करके चल सकते हैं आप एमसीएक्स के थ्रू। और अपसाइड का टारगेट, क्योंकि एक महीने का विजन है, तो आप एक महीने के विजन में आप ऑप्शन में अगर ट्रेड करेंगे तो मेन इम्पैक्ट जो है वो ये है कि आपको फ्यूचर में मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा, ऑप्शन में आपको सिर्फ प्रीमियम देना है। तो ये दोनों आपके रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंडेंट, और बल्कि आप कॉल बाय करके चलते हैं तो आपका लिमिटेड रिस्क हो जाता है। फ्यूचर बाय करने पे तब भी आपका रिस्क नीचे के साइड पे काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें या फिर आप अपने फंड के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है ऑप्शन ज्यादा बेटर है। लेकिन बहुत से लोगों को ऑप्शन समझ नहीं आता, तो आप पोजीशंस जो है वो दोनों साइड ले सकते हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऑप्शन की अवेयरनेस और बढ़ेगी तो लोग ऑप्शन के ट्रेड के लिए ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएंगे। सो रवि जस्ट राहुल एक्सक्यूज मी, हाँ। सो एक और सवाल था रवि, कि अगर देखिए आप तो आज मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं,
तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई इस तरह के स्ट्रेटेजी में किस तरह से फायदा ले? देखिए, मिनी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है, मैं इनफैक्ट आपको बताऊं तो जय जी, जितने लोग ट्रेड करते हैं वो लोगों को मैं हमेशा मिनी लेने की ज्यादा राय देता हूँ। क्यों राय देता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देखिए, जब अभी इस समय जैसे आपका नेचुरल गैस का जो प्राइस है वो चल रहा है 238, और आपका पूरा का पूरा आप चाहते हैं कि प्राइसेस को गेस कर पाना या प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप एवरेज प्राइस पे बाय करते हैं तो आपके लिए फायदा होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर आप बड़े लॉट की जगह आप छोटे लॉट लीजिए, और एक साथ आप एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट अलग अलग प्राइसेस पे करके लीजिए, और बड़े लॉट के बराबर ही पोजीशन अगर आपको लेनी है तो उससे फायदा ये होगा कि आपका एवरेज प्राइस अच्छा होगा, और करंट लेवल से अगर कोई गिरावट आती है तो आप अच्छा बाय कर पाएंगे, और अगर ऊपर निकल भी जाता है तो आपके पास थोड़ी क्वांटिटी होगी, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग जिंक और लेड के मिनी कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा अट्रैक्शन दिखाते हैं कंपेयर टू बड़े कॉन्ट्रैक्ट में। ऑब्वियसली है कि बड़ा तो है, लेकिन छोटे रिटेलर, छोटे ट्रेडर के लिए छोटे कॉन्ट्रैक्ट एक बेहतरीन ऑप्शन है एमसीएक्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। या ओवर टू यू राहुल। जैसे आप जैसे मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स का बता रहे थे, राइट, मिनी गोल्ड के ऑप्शंस भी अभी काफी वैलिड है और ज्यादा करके लोग ट्रेड भी कर रहे हैं उसमें। अ यूजर एक्चुअली हैज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। ही इज आस्किंग लाइक वी हैव लाइक मेनी मल्टीपल गोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स राइट नाउ, लाइक स्टार्टिंग विद सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड्स एज वेल एंड क्रूड एंड गोल्ड मिनी गोल्ड ऑप्शंस एज वेल। दो लाइक कैन यू लाइक प्लीज शेड अ लाइट ऑन लाइक हाउ दिस टू पर्टिकुलरली डिफर इन सम वेज एंड when to apply for SGB bonds, basically SGB, and when to like actually go for mini gold options. So I think ये ऋषि और रवि दोनों के लिए ही है। तो ऋषि पहले आप शुरू करेंगे, फिर I think रवि can give views। जो मुझे समझ में है आप ये पूछ रहे हैं कि कब SGB लिया जाए और कब ऑप्शन खरीदा जाए, राइट? राइट सर, यस राइट। देखिए ऐसा है कि यदि आप 8 साल तक इन्वेस्ट करना चाहें और आप एकदम पैसिव इन्वेस्टर हैं तो आप एसजीबी में जाएं, क्योंकि उस पर आपको 2.5% ब्याज भी मिल रहा है और आप डीमैट पे उसको रख रहे हैं, उस पर एक्सपायरी पे आपको कोई टैक्स भी नहीं लगता। लेकिन अगर आपका उतना लंबा व्यू नहीं है और आपको लगता है कि भाई मेरे को एक एक्सपोजर लेना है कुछ दिन तक और फिर निकलना है, और आपको लग रहा है कि कोई विशेष मूवमेंट आ सकती है किसी भी डायरेक्शन में ऊपर या नीचे, ऊपर आती है तो आप कॉल खरीद सकते हैं, नीचे जाता है आपको दिखता है तो आप पुट खरीद सकते हैं, और उसमें आप एक एक्सपोजर ले सकते हैं। नॉर्मली गोल्ड के बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप बाई मंथली एक पुट ले लिया, आपका आपके दिशा में चला तो आपने काट लिया, फिर से अगर आपको लगा कि दाम अट्रैक्टिव हो रहे ले लिया, तो वो थोड़ा सा एक शॉर्टर टर्म व्यू में आप ऑप्शन ले सकते हैं। एक तरीका और है कि यदि आपके ऑप्शन में आपको लग रहा है कि भाई मेरे मैंने ऑप्शन ले तो लिया लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी अट्रैक्टिव हो गया मेरे लिए, दाम और बढ़ेगा और एक्सपायरी आ रही है, तो आप उसको फ्यूचर में अपने आप डिवॉल्व हो जाएगा वो, अगर आपका इन द मनी होगा तो आप फिर कॉल ऑप्शन जैसे खरीदते हैं, और अगर दाम बढ़ गया और आपको लगा कि भाई ये तो दाम और बढ़ने का मेरे को आशंका है, तो आप उसको फिर फ्यूचर के माध्यम से डिलीवरी भी ले सकते हैं और डिलीवरी डीमैट में पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे ये मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ऑप्शन फ्यूचर में होता है, फ्यूचर से आप डिलीवरी भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो आपको एक लाभ मिलता है। रवि सर, कैन यू आल्सो प्लीज लाइक शेड सम लाइट लाइक योर व्यूज ऑन दिस? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसा इनका था कि सॉवरेन बॉन्ड और अदर में, तो देखिए आपको अपनी खुद की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना पड़ेगा। आपको अगर लगता आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप डे टू डे ट्रेडिंग के इम्पैक्ट नहीं रखना चाहते हैं, तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, और फिजिकल गोल्ड की टेंशन नहीं हो, आप बॉन्ड पे इंटरेस्ट भी पाएंगे और आपको लॉन्ग टर्म गोल भी क्लियर होंगे। अब जो
फिजिकल गोल्ड लेना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, चाहे वो बैंक से खरीद रहे हो, सिक्के खरीद रहे हो, या फिर फिजिकल ज्वेलरी का मजा देखिए, अगर आप गृहणियों से पूछेंगे तो वो यही कहेंगी कि भाई मुझे ज्वेलरी का मजा लेना है, मेरे को नहीं पता आगे की लाइफ क्या होने वाली है, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है। तो वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अगर कोई जो स्मार्ट ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, या फिर मैंने अभी तक, जैसे मैं मुंबई में जब कुछ दिन पहले अभी टूर के लिए गया था, तो मैंने देखा कि जावेरी बाजार के ज्यादातर जो ज्वेलर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए एमसीएक्स पे सौदे उतारते हैं, और उसका फायदा ये होता है कि आपके बिजनेस का रिस्क जो है वो सबसे कम हो जाता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी आपको किस उसमें जाना है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है ऋषि जी भी आप इस बात से एग्री करेंगे कि आज ज्वेलर्स को, जो ज्वेलर इंडस्ट्री यहाँ पर सस्टेन कर पा रही है, वो इंटरनेशनल वोलेटिलिटी को सिर्फ एमसीएक्स में अपनी पोजीशंस को हेज करके, क्योंकि देखिए ज्वेलर भी अगर मार्जिन पे काम करता तो वो 10% 15% मैं कहता हूँ 20% का मार्जिन पे काम कर लेगा। गोल्ड के प्राइसेस इतनी तेजी से मूव होते हैं कि अगर उसने 3 महीने बाद डिलीवरी देनी तो गोल्ड के प्राइसेस कुछ भी हो सकते हैं, और गोल्ड के प्राइसेस के अलावा वहां पर आपको करेंसी का भी इम्पैक्ट देना पड़ता है। तो अपनी पोजिशन को हेज करने के लिए, और जो ज्वेलर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोग डरिए नहीं कि ये कोई सट्टे बाजार ही है। सट्टे बाजार कुछ नहीं होता है, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस हैं। आप अपने बिजनेस को समझिए, एमसीएक्स की टीम से समझिए, या फिर आप जय की टीम से समझें, और उस चीज को अपने बिजनेस में सही उपयोग करें। और यंग जनरेशन जितनी आ रही इस चीज को अब अप्लाई कर रही, और उसका फायदा भी आपको ज्यादातर ज्वेलर्स दिखते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें और अपने बिजनेस को जरूर हेज करके रखें। इसमें मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि अगर आप ज्वेलर के पास आज जाते हैं और आप बोलते हैं कि भैया मुझे एक ज्वेलरी ऑर्डर करनी है, और आप उसे 10% 20% एडवांस दे के आ जाते हैं और वो दाम आपका फिक्स कर देता है, ठीक है। अब आप बोलते हैं ये दाम फिक्स कैसे कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, वो तो एंड में हेज ही कर रहा है ना बाकी 80%, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको एक ज्वेलर ये स्कीम देता है कि आज आप जा रहे हैं और सपोज सोना का भाव 58,000 है, तो बोलता है कि आपने 10% दे दिया और बाकी 58,000 के भाव पे आपका बुक हो गया, जिस दिन आप डिलीवरी लेंगे बैलेंस उस दिन के भाव से आप दे दीजिएगा, अगर भाव नीचे होता है, और अगर ऊपर होता है तो आप 58,000 के भाव से ही दीजिएगा। तो क्या आप ज्वेलरी लेंगे? जरूर लेंगे। आप तो बोलेंगे तो वाह बहुत बढ़िया है, एंड में वो कर क्या रहा है, वो तो आपके लिए कॉल ऑप्शन ही खरीद रहे हैं ना। वेरी प्रैक्टिकल एंड लाइक वेरी फिजिकल एग्जाम्पल ऋषि सर, थैंक्स। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा ऋषि जी, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एक ज्वेलर के पास ज्वेलरी खरीदने के लिए गया और समझा, तो वहां पर मैंने उनसे थोड़ी देर बात करी और मुझे एक चीज समझ में आई कि इन्वेस्टर को यहाँ पे भी एक बड़ा फायदा दिखता है। लोग आजकल, उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि ज्वेलरी लोग बुक कराते हैं और उनको अपनी पोजीशन हेज करने के लिए ज्वेलर्स जो है वो एमसीएक्स पे अपनी पोजीशन को हेज कर लेते हैं, और कई बार तो वो ज्वेलरी लेने आते ही नहीं है क्योंकि 3 महीने 1 महीने 15 दिन में जो ज्वेलरी का टाइम होता है, पता चलता है उनको 5% गोल्ड के रेट बढ़ चुके, तो कहते हैं कि अच्छा मैं नहीं लूं तो क्या होगा, तो कहते हैं कि आप मत लीजिए, आपको हम उतने का डिस्काउंट दे देंगे, या फिर आप जब खरीदेंगे तो हम उतना आपको प्रॉफिट दे देंगे। तो कई बार बिना ज्वेलरी लिए लोग बुकिंग करके ऐसे काम करते हैं, और ये ज्वेलर से मैंने रिसेंट फीडबैक अभी देखा। Very interesting world actually, me being very new to this whole industry in per se. जो रवि जी बोल रहे हैं ना उसपे घर पे मार पड़ने वाली काम है और कुछ नहीं। ज्वेलरी नहीं लेना, पहले घर पे बोल देना कि बुक किया और फिर घर पे नहीं लाना, आप ट्राई करिए फिर आपको पता चलेगा। दिवाली के वक्त तो नहीं करना चाहिए ऐसे। Awesome. यहाँ पे अभी एक्चुअली वन मोर एक्चुअली यूजर इज आस्किंग कि वो काफी अभी नए हैं, मतलब मेरे जैसे ही, तो वो चाहते हैं कि कमोडिटी में इंट्राडे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो लाइक व्हाट आर द बेसिक इनिशियल स्टेप्स रवि सर एंड ऋषि सर यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू हिम और हर? रवि जी बताएंगे, बाकी मैं तो इतना ही बोलूंगा कि सबसे पहला स्टेप तो ये होता है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, राइट। इन्वेस्टिगेट देन इन्वेस्ट, नॉट वाइस वर्सा। पहले आप अपना रिसर्च करें, अपना स्टडी करें, अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो कोई एक्सपर्ट के पास जाएं जो सभी रजिस्टर्ड हो, उससे ज्ञान लें, और फिर ही इस मार्केट में उतरें, और जब उतरें तो छोटा पहले ट्रेड मारें,
छोटा ट्रेड से क्या होगा, आपकी लॉस सीमित रहेगी, या तो मिनीज में करें या कॉल पुट खरीद के करें छोटे छोटे, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको समझ में आ जाए, उसके बाद ही बड़ा कोई ट्रेड करें कि फ्यूचर लेना हो या कॉल पुट राइटिंग करना हो, वो एकदम एंड का स्टेज आता है, पहले आप कॉल पुट खरीदें या मिनीज बाय सेल करें। मैं चाहूंगा कि पहले तो इसमें जय जी आप भी थोड़ा सा एडिशन दीजिए, बिकॉज आपको भी काफी अच्छा जो है वो ज्ञान है, और मुझे समझता हूँ कि आप कुछ इसमें पॉइंट को प्लीज ऐड करें, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं नहीं रवि जी, देखिए जैसा ऋषि जी ने भी बताया कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है अपना रिस्क रिवॉर्ड को समझना, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कमोडिटीज मार्केट में नए हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप छोटे कैपिटल से शुरू करें, ऑप्शन एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो कैपिटल है और उस पर आप कितना रिस्क ले रहे हो, और अगेन उस पर जो स्ट्रैटेजीज हैं, क्या क्या फैक्टर्स वॉच आउट करना है अगर स्टार्ट करने के लिए, कौन से कमोडिटी से शुरू करना है, ये मेरे ख्याल से आप बेहतर समझा सकते हैं। देखिए मैं तो आजकल जय जी जितने भी चैनल्स पे जा रहा हूँ और जितने शोज कर रहा हूँ उस पे मैं एक बात इन्वेस्टर को साफ साफ बोलता हूँ कि प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन अनऑथेंटिकेटेड सोर्स को प्लीज छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए, कमा लीजिए। सर मैंने अभी एक आर्बिट्राज बताया, आप गोल्ड खरीदिए, सिल्वर बेच दीजिए, गोल्ड का प्रॉफिट आ जाता है, दिखा दीजिए, सिल्वर का लॉस दिखाने की जरूरत नहीं, और कहिए कि मैंने इतने करोड़ों कमाए हैं। ये चीज बहुत हो रही है, प्लीज इससे बचिए। आप और हम बैठ के यहाँ पे इस तरीके के जो एजुकेटिव प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सही सोर्स पे जाएं। जब आप बीमार होते हैं तो आप उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जो उसका स्पेशलिस्ट है। आप ऐसे नहीं टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे जाके सिर्फ गूगल करके समझ के दवा लेते हैं, नहीं करते हैं। सेम इसी तरीके से वकील का भी काम है कि अगर आप किसी समस्या में पड़ते हैं तो आप वकील के, अच्छे से अच्छे वकील के पास जाना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों में, एक में आपकी सेहत और एक में आपकी किस्मत, और सबसे बड़ी जरूरत है आपकी पैसे की, जो इन दोनों को परचेज कर सकती है। लेकिन होता क्या है कि आप जहां पर पैसे की बारी आती है वहां सोचते हैं कि मैं किसी से राय क्यों लूं, मैं खुद समझ सकता हूं, मैं खुद कर सकता हूं, और वहीं पे बड़ा नुकसान आप कर बैठते हैं। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल ऋषि जी ने भी बात सही कही। देखिए ऋषि जी ने भी बड़ी प्रैक्टिकल बात कही कि पहले आप रिस्क को समझें, अगर नहीं समझ सकते हैं तो आप इस तरीके के आप किसी फंड मैनेजर से राय लीजिए, समझिए, कोई मना नहीं करेगा आपको, आपके आप उसके ऑफिस जाइए, पूछ के आइए, उससे एडवाइस लीजिए, समझ में आए तब आप फीस पे करके आगे काम करिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है आज के प्लेटफॉर्म पे। अब रही बात कि आप स्टार्ट कैसे करें, सबसे पहले देखिए ये आप डिसाइड कर ले, ये टाइम पास करने की जगह नहीं है, ये एक सीरियस बिजनेस है, एक सीरियस आपकी ऐसी इनकम है जिसे आप जनरेट कर सकते हैं, और आप इससे एक एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। भले आपको जॉब मिले ना मिले, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको बना रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जय जी कि लोगों को सबसे पहले आप इसके बारे में एक कोर्स करिए, समझिए, उसके बाद फिर आप छोटे पैसे से, बिल्कुल आपने सही कहा, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, आप फ्यूचर में नहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो आप एक फिक्स कैपिटल ले लीजिए। सपोज आपने 1 लाख रुपए आपने इकट्ठा किया, अब 1 लाख रुपए से आपको ट्रेड करना है, तो किसी एक चीज में 1 लाख रुपए बिल्कुल मत डालिए। अगर आप ट्रेड जैसे ऑप्शन की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप 10,000 से 3,000 से 5,000 से आप ऑप्शन प्रीमियम परचेज करके आप उससे आप समझ सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेसिक नॉलेज लेने के बाद आप छोटा पैसा लगाकर पहले अपने आप को ट्रेन करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से मिलिए, पूछिए, और फिर उसके बाद आप इसको सीरियस ट्रेडिंग स्टार्ट करें, जिससे कि आप अच्छे रेवेन्यू बना सके। ओके ऑसम सर। सर इसी के आगे मतलब आप ये भी बता सकते हो प्लीज कि कौन से टाइप ऑफ कमोडिटीज के सबसे ज्यादा मतलब वॉलिटाइल ज्यादा है, वो मतलब जहाँ पे उनके जो ऑप्शंस रहेंगे सबसे, कॉल सब रहेंगे, उसके वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, आप ऐसे बता सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स भी आ रहे हैं जो काफी नए क्रूड ऑयल एंड कमोडिटीज करेंसी मार्केट्स में। ऋषि जी आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, एक्सचेंज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस पे लोग कर रहे हैं ऑप्शंस में? देखिए ऐसा है, ऑप्शंस में वॉल्यूम सबसे ज्यादा क्रूड में है, फॉलोड बाय नेचुरल गैस, फिर गोल्ड और सिल्वर में वॉल्यूम है, और अब तो हम देख रहे हैं कि कॉपर में भी वॉल्यूम भर के आ रहा है, और जिंक में थोड़ी बहुत है वॉल्यूम। लेकिन वॉलेटिलिटी क्या है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है और आपका दुश्मन भी हो सकता है, इट इज हाउ यू हैंडल इट।
नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज गुड और बैड, इट इज हाउ यू अप्रोच इट। तो क्या होता है, एक दवाई है या वो छोड़िए दूध है, दूध तो बहुत अच्छी चीज है लेकिन ज्यादा पीने से पेट भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो हर चीज अच्छी से अच्छी चीज का भी दुरुपयोग से नुकसान हो सकता है और उसका सदुपयोग से लाभ हो सकता है। तो वॉलेटिलिटी भी अगर आप उसको अपना फ्रेंड बनाएंगे तो आपको लाभ देगा, और वही अगर आप उसको अपने आप को हावी होने देंगे तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा और आप वॉलेटिलिटी से घबरा के लॉस करेंगे दोनों तरफ। तो इसीलिए नॉलेज, स्थिरता और गंभीरता से मार्केट को अगर अप्रोच करेंगे तो आपको वॉलेटाइल, देखिए बिना कोई मूवमेंट के जहाँ कुछ वॉलेटिलिटी नहीं, आदमी को ट्रेड करके फायदा भी नहीं होता है क्योंकि लगता है मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, और जो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी उसमें भी उसको तकलीफ होती है कि यार पता ही नहीं ये रोलर कोस्टर राइड हो गया। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड टाइम होराइजन एज टू हाउ मच वॉलेटिलिटी कैन यू हैंडल। तो किसी ने मुझे एक बार पूछा कि भाई व्हाट शुड बी द राइट मिक्स ऑफ व्हाट आई शुड बाय और सेल, या मैं कितना एक्सपोजर लू मार्केट में। मैं बोला उतना एक्सपोजर लो कि रात को अगर टॉयलेट करने उठो तो टीवी ऑन करके ना देखो कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। तो वो अगर नहीं कर रहे हैं और आप शांति चैन की नींद सो रहे हैं, मतलब आप प्रॉपरली इन्वेस्टेड हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि यार कुछ नहीं हो रहा जीवन में, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा पोर्टफोलियो एकदम ग्रो नहीं हो रहा है, और आप सारे रुपए अगर सेविंग्स में डाल रहे हैं वो भी नहीं है, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बट सोच समझ के इन्वेस्ट। थैंक यू ऋषि सर। इसी के आगे एक्चुअली जैसे रवि सर आपने थोड़ी देर पहले गोल्ड और सिल्वर का एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया था, एक जो कोई कोशिश कर सकता है अप्लाई करने का, वैसे ही आप इज इट पॉसिबल लाइक आप क्रूड ऑयल के ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, मतलब हाउ टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, आप थोड़ा बता पाए तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं जस्ट अभी मैं क्रूड ऑयल के ऑप्शंस को देख रहा था 17 अक्टूबर के। मैं एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। 17 अक्टूबर की एक्सपायरी का ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देखते हैं 7700 का, यानी कि 7700 की कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम, यहाँ पर कॉल का प्रीमियम चल रहा है 228 रुपीज और पुट साइड से प्रीमियम चल रहा है 231, दोनों मिला लीजिए आपको 459 यानी 460 का प्रीमियम यहाँ पर मिल रहा है। तो आप अगर हेज स्ट्रेटजी डालना चाहते हो तो आप ये कॉल और पुट को सेल करके आप जो दोनों का डिफरेंस है उसको नोट कर लीजिए 450 रुपए, इसका स्टॉप लॉस डाल लीजिए 500 रुपए का, यानी दोनों का डिफरेंस अगर 500 के ऊपर जाता है तो आप एग्जिट कर जाइए, और नहीं तो सेल की स्ट्रेटजी छोड़ दीजिए। धीरे धीरे टाइम वैल्यू कम हो जाएगी और इसमें आपको 100 रुपए बहुत आसानी से, मैं पूरा प्रीमियम लेना नहीं चाहता लेकिन मैं 100 रुपए बहुत आसानी से यहाँ पे लेना चाहूंगा, आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी जो मैंने अभी मूविंग एवरेज बताया, अब उसी को यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो आप पाएंगे इस समय क्रूड ऑयल में खास तौर से मूविंग एवरेज को अगर आप प्लॉट करते हैं और अगर आप आर्ली चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो अभी आपको कोई यहाँ पर ट्रेंड नहीं मिल रहा है, यानी कि अभी ना तो आपको पॉजिटिव और ना तो नेगेटिव ट्रेंड मिल रहा है, फ्रेश ट्रेंड नहीं है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, अगर ये क्रॉसओवर पॉजिटिव क्रॉसओवर आ जाता है तो उस टाइम पे स्ट्रैटेजी क्या अपनानी वो मैं बताता हूँ। पॉजिटिव क्रॉसओवर का मतलब है कि आपका 9 डे का मूविंग एवरेज से प्राइसेस नीचे चल रहे होंगे और 9 डे ऊपर चल रहा होगा, उस केस में बाय सिग्नल जनरेट होगा, तो आपको चाहे तो आपके पास ऑप्शन है आप फ्यूचर बाय कर लीजिए, नहीं तो आप वहां पर कॉल ऑप्शन को बाय करके चलिए। अब कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे तो आप 228 रुपए का है उस पे आप 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं, 50 से 60 रुपए का टारगेट आप निकाल सकते हैं। दूसरा, जैसे ही सेल सिग्नल आता है तो आप उस टाइम पे इसी को उल्टा कर लीजिए, आप पुट बाय कर लीजिए, तो हमेशा आप बाय साइड से चलेंगे और आपका लॉस जो होगा वो लिमिटेड होगा और आपका प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड की तरफ होगा, और आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में जब काम करेंगे तो आप एक बेहतरीन स्ट्रेटजी और बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं, और इस तरीके के ट्रेड अगर लेते हैं तो वो सेफर ट्रेड होंगे। ओके, थैंक यू रवि सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, यूजर्स बहुत सारे यूजर्स पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन व्हाट इज 9 EMA।
जो रवि जी आपने बताया ना कि 9 डे मूविंग एवरेज, 18 डे नाइन डे मूविंग एवरेज, वो किस तरह से देखना है चार्ट में, अगर उस पे आप थोड़ा लाइट थ्रो कर पाए तो वो यूजर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात है कि हम, मैं आपको एक इसमें बेसिक एक पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जो मूविंग एवरेजेस होते हैं उनमें कई कैटेगरी होती है। आपने कई जगह पर सुना होगा ईएमए, ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, डब्ल्यू यानी कि वेटेड मूविंग एवरेज, और इनमें डिफरेंस ये होता है सिंपल मूविंग एवरेज में आप सिंपली आप जो नंबर्स होते हैं उनको कैलकुलेट करके डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ अकरेंस होते हैं उससे वैल्यू निकाल लेते हैं। ईएमए जब आप निकालते हैं तो उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम जो रीसेंट डेटा होता है उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। जैसा सपोज करिए अगर आपके पास 10 डेटा है तो आप 10 डेटा में से लास्ट के जो आपके लास्ट जो कैलकुलेशन उसके आप 4 डेटा को आप ज्यादा वेटेज देंगे और उस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। एनीवे ये तो आप चार्ट में आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन इसको सिंपल इससे समझिए, जैसे मैं अभी 5 मिनट का अगर क्रूड ऑयल का चार्ट देखता हूं तो अभी 5 मिनट में इसमें एक सेल ऑफ आया, यानी प्रॉफिट बुकिंग आई है। 7 बजे का मार्केट इंटरनेशनल ओपन हो रहा है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग है। तो आप देख पा रहे होंगे 9 डे मूविंग एवरेज हो, 18 डे मूविंग एवरेज हो, या 21 डे मूविंग एवरेजेस, आप जो भी मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे प्राइस उससे नीचे है और मूविंग एवरेजेस की वैल्यू ज्यादा है। यानी कि अगर मैं 9 डे मूविंग एवरेजेस को देखता हूं तो उसकी वैल्यू है इस समय प्राइस चल रहा है 76.42 और 9 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू है 76.83 और 7 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू है 76.63। यानी कि प्राइस कम है और मूविंग एवरेज ज्यादा है। फिर से नोट आप नोट कर लीजिए पेन पेपर पे, यानी कि करेंट प्राइस जो है उसकी वैल्यू इस समय 76.36 है लेकिन मूविंग एवरेज की वैल्यू 76.73 है, यानी कि 30 रुपए ज्यादा है। यानी मूविंग एवरेज ऊपर से ट्रेड हो रहा है और प्राइस नीचे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब है ये डाउन ट्रेंड है और इस डाउन ट्रेंड को आप सेल के लिए यूज कर सकते हैं या फिर पुट बाय के लिए यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब तक ये रिवर्सल नहीं होता तब तक आप उस सेल ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी जिसे हम कहते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जय सर, लाइक वन मोर लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली आवर यूजर इज आस्किंग, इट्स मोर ऑफ लाइक रवि सर एंड ऋषि सर, इज देयर एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि जहां पर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कमोडिटी इंस्ट्रूमेंट का जो वोलेटिलिटी है वो एकदम इंक्रीज हो जाता है, या फिर वो इट्स जस्ट लाइक वेरी साइक्लिकल एंड वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर? फॉर एग्जाम्पल सिल्वर का थोड़े बहुत यूजर्स ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो 6 बजे शाम को उसकी वॉलीटैलिटी और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाती है, बट बाकी गोल्ड का दोपहर के वक्त ऐसा कुछ होता है, रात के वक्त ऐसा थोड़ा कुछ होता है। तो हाउ डज दिस एक्चुअली वॉलीटैलिटी टेक्स प्लेस एंड ऑल्सो इज टाइम अ फैक्टर इन हियर? देखिए शाम को जब ग्लोबल मार्केट्स खुलते हैं तो थोड़ी वॉलीटिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स जब खुलेंगे तो उनका जो मूवमेंट आता है, इसीलिए आप देखेंगे कमोडिटी में ज्यादातर वॉल्यूम शाम को ही होते हैं 6 बजे के बाद जब US मार्केट्स खुलते हैं और वो सब में मूवमेंट आता है। इसके अलावा सीजनल साइकिल्स भी है, जैसे नेचुरल गैस का या क्रूड का विंटर में, जैसे पहले भी कहा गया था कि हीटिंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है स्पेशली नेचुरल गैस का, तो उसमें वो मूवमेंट आता है। अब गोल्ड सिल्वर का जैसे अभी पितृपक्ष है तो थोड़ा सा डिमांड इंडिया में कम होता है, या फिर जब फेस्टिवल्स का डिमांड ज्यादा होता है तो उसका इंपैक्ट आगे पीछे मार्केट में भी आता है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बाकी रवि जी डिटेल में बताएंगे। या ओवर टू यू रवि जी। जी बिल्कुल, इस समय देखिए जैसे ही जब शाम का मार्केट शुरू होता है तो उस टाइम पे US में मार्केट ओपन होते हैं और उस टाइम पे वहां पर अपनी लोग पोजीशंस को ट्रेड करते हैं, उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे इंडियन मार्केट पे देखने को मिलता है। इंटरनेशनल गोल्ड कई बार US में डेटा होते हैं, जैसे GDP डेटा है, होम सेल्स डेटा है, या फिर ये कहें कि जो डॉलर से डॉलर की जो मूवमेंट होती है उसके हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस में यहाँ वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। वो जनरली वहां पर US में मॉर्निंग सेशन होता है, इंडिया में वो इवनिंग सेशन होता है, इस वजह से आपको गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में वो मंदी या तेजी आपको इवनिंग सेशन में ज्यादा देखने को मिलती है। ओके ओके अंडरस्टूड। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। जय सर, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द क्वेश्चंस। रवि सर एंड ऋषि सर, वेरी थैंक्स टू यू कि आप फ्राइडे के शाम में ऐसे हमारे साथ एक्चुअली वेबिनार किया। इट्स वेरी एंड वी आर वेरी ऑल्सो थैंकफुल टू ऑल द यूजर्स एंड पार्टिसिपेंट्स हु जॉइंड अस ऑन अ फ्राइडे इवनिंग। अभी तो लॉन्ग वीकेंड है काफी, तो मे बी यू गेट लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली एंड
थोड़ा मार्केट्स का टेंशन आपके लाइफ में कम रहे 3 दिन. या थैंक यू सो मच राहुल एंड थैंक्स रवि, थैंक्स ऋषि. ये जो हमारे यूजर बेस है, आज जो क्वेश्चंस थे उसमें बहुत सारे लगे कि यूजर्स नए हैं. रवि जी का जितना एक्सपर्टीज है, उनके गाइडेंस है, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत इससे फायदा मिला होगा. हम उम्मीद करते हैं कि रवि को फिर से बुलाएं या कोई इस तरह के स्पेसिफिक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करें. सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट. एंड ऋषि थैंक यू सो मच अगेन. ऑलवेज यू नो वी आर क्वाइट ग्रेटफुल दैट यू नो आप हमें शुरू से इस सीरीज में सपोर्ट कर रहे हैं. इससे एडवांटेज ये हो रहा है कि आज कमोडिटी स्पेसिफिक ट्रेड्स या उसके यूजर्स के लिए एक नॉलेज बेस क्रिएट हो रहा है. और अगर आप ये वेबिनार नहीं अटेंड भी करते हैं तो आप धन के यूट्यूब में चैनल पे जाके इस प्रीवियस वेबिनार्स को भी देख सकते हैं, विच कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर यू. थैंक यू अगेन. एंड ये सारे जो चार्टिंग, जस्ट वन थिंग आई'ड लाइक टू ऐड, जो भी चार्ट्स के बारे में रवि ने बताया, ये सारे चार्ट्स धन पे अवेलेबल हैं थ्रू ट्रेडिंग व्यू, राइट राहुल? Yes, Jay sir. Yes, Jay sir. And yeah, also on tradingview.com now, like you can trade on futures and other all the MCX come instruments as well. And Dhan is the only one of the first only brokers who were actually present on the trading panel of TradingView, tradingview.com. So, आपका जो भी position से आप direct वहाँ पे ही orders direct place करते हो अपने Dhan accounts से. So thank you so much again Rahul, Ravi, Rishi. Are tino aa rahe? Yeah, what a coincidence. Yeah, yeah. Have a great evening ahead. Thank you so much.